ऑफ वडोदरा। मूळ द्वारका, द्वारकाधीशना सानिध्यमा द्वारकाना तटे अहिराणियों द्वारा अभीर रासनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। मूळ द्वारका समुद्र तटे द्वारकाधीशना सानिध्य में अहिराणियों शस्त्रपूजन तेमज कृष्ण ने समर्पित अभिरास योजायो हतो। आज विजयादशमी पावन पर्वे गीर सोमनाथ मूळ द्वारका खाते जहाँ हजारों वर्षों पहला भगवान श्री कृष्ण वास करता था तेओनी पावन भूमि में समुद्र किनारे क्षत्रिय आहिर समुदाय भाईओ बहनों समूह में शस्त्रपूजन कर्यु तो आहिराणियों भगवान श्रीकृष्ण ने समर्पित भावे अभीर रस योजी श्रीकृष्ण वंदना करी। आहिर समुदाय आयोजित आ कार्यक्रम में भगुड़ा मोगल धाम थी पधारेल यादव समाज सेवा विकास ट्रस्ट ना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जाहलबेन आहिरा भव्य कार्यक्रम की माहिती आपता जणाव्यु हतुं कि क्षत्रियो माटे शस्त्र ए खूब ज महत्वपूर्ण छे, त्यारे क्षत्रिय आहिर समुदाय में शस्त्र ने शास्त्र ज्ञान जळवाई रहे तेवा उमदा उद्देश्य साथे जगतगुरु भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि मूळ द्वारका खाते दशहरा पावन पर्व निमित्ते शस्त्र पूजा अने अभीर रास नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में बहोळी संख्या में अहिराणियों तेमज आहिर भाईओ जोड़ाया हता। शास्त्रोक्त विधि विधान साथे समुद्र तटे शस्त्र पूजन करायुं हतुं। त्यारबाद अहिराणियों भगवान श्रीकृष्ण ने समर्पित भावे रास योजी भगवान श्रीकृष्ण की वंदना करी हती। आहिर समाज ने बाळाओ बहनों ने दीकरीओ द्वारा नक्की करवामां आव्युं के द्वारकाधीश ना चरणों में अमारे शस्त्र पूजन अने भगवान श्री कृष्ण नो रास लेवो छे। एटला माटे थईने द्वारकाधीश ने बीजी जग्या एटले कोडीनाथ तालुका में आवेलो मूळ द्वारका में जे द्वारकाधीश वसे छे ए द्वारकाधीश ना चरणों में दरिया ने किनारे अमारी आहिर समाज नी बहनों पोते 500-600 बहनों परंपरागत वस्त्रो धारण करी अने भगवान द्वारकाधीश चरणों में दरिया किनारे शस्त्र पूजन करेल छे। शस्त्र पूजन कर्या पछी भगवान द्वारकाधीश चरणों में एमना सानिध्य में 500-600 बहनों पौराणिक वस्त्रों पहेरी अने भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाते गाते जे रासड़ा लीधा छे ए आजनो अमारो कार्यक्रम हतो। अंदाजित 500-600 बहनों आ कार्यक्रम में परंपरागत वस्त्रों धारण करी अने रास लीधेलो छे।
અને અભિરાસ કરવાનું અમારું આયોજન હતું, જે જાહલબેન દ્વારા બધા બહેનોએ સાથ આપ્યો અને આજે અમે આ મૂળ દ્વારકા આવ્યું છે. સમગ્ર આયોજન તો અમારું નાનું એવું જ હતું, એમાં જેમ બનતા ગયા એમ બહેનો વધતું ગયું અને એવી રીતે અમારું આયોજન આજ 300 જેવી બહેનો આવી ગયું. અમને જે ધાર્યું નહોતું, વરસાદ સવારે તો બહેનોએ બધાએ વિચાર્યું હતું કે આજે રાસ નહીં થાય, પણ ટી સત્તા દ્વારકાધીશની ઈચ્છાથી આજે અમારો રાસ પૂરું ન થયો.